हेलो एवरीवन, अगर आप भी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और आपको व्हाट्सअप के फीचर नहीं मालूम है, पता नहीं है, तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपके सामने बेस्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहली टिप्स कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कैसे हाइड कर सकते हैं, जिससे चाहे दो से चाहे दो से चार से चाहे चार से सबसे चाहे तो सबसे प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कैसे कर सकते हैं। सेकंड टिप्स दोस्तों, आप व्हाट्सअप में डिलीट किए हुए मैसेज डिलीट एवरीवन जो सारे नकेले डिलीट कर देते हैं उन मैसेजेस को कैसे देख सकते हैं। और थर्ड टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप दोस्तों कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कैसे हाइड कर सकते हैं, उसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग हो चुकी है ओपन, प्राइवेसी पर क्लिक करना है, प्राइवेसी को क्लिक कर दिया। अब यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा प्रोफाइल फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, प्रोफाइल फोटो ओपन हो गया। अब यहां पर आपको सेलेक्ट करना है माय कॉन्टैक्ट्स एक्सट्रैक्ट, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर दिया, अभी आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल के आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से आपको जिसको भी प्रोफाइल पिक्चर दिखाना नहीं चाहते, जिसके लिए भी अपने प्रोफाइल पिक्चर हाइड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर देवे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया एक दो तीन, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है राइट का आइकन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया दोस्तों, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका। अब उसको जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको हमारे प्रोफाइल पिक्चर दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, ये टिप आपको नहीं बता दी तो प्लीज लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड टिप्स दोस्तों क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, जो भी मैसेज करना हो कर देते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, तो हमारे मोबाइल में दिखाई देता है कि दिस मैसेज वॉज डिलीट, ये इस तरह का दिखाई देता है। अब बहुत सारे लोगों को उसके देखने की, उसके जानने की तमन्ना होती है, चाहत होती है, तो उसको देखे कैसे देखे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन हो चुकी, यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फिर से नीचे दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेरा ओपन ऑन दिख रहा है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपका ऑफ होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर मोबाइल में ऑफ ही होता है, आपको उसे ऑन करना होगा। ऑन कर देंगे तो फिर आपके सामने भी इस तरह से जो भी मैसेज डिलीट होगा वो इस तरह से दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ उसको ओपन कैसे करना है, सर्च करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, उसको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। दोस्तों, जो व्हाट्सएप से डिलीट हुआ है वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा, व्हाट्सएप में नहीं दिखाई देगा, व्हाट्सएप में दिखाई देगा दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, यहाँ पर आपको सारा व्हाट्सएप भी दिखाई देगा। और दोस्तों, ये सारे एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, जिनके भी हमने नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है वो सारे के नोटिफिकेशन में जो भी डिलीट होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों, थर्ड टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड टिप दोस्तों क्या है कि दोस्तों, आप व्हाट्सएप यूज करते हो और आप किसी, आपने कोई ग्रुप ना बनाया हो या आप किसी ग्रुप में ऐड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप में कोई ना कोई ग्रुप जरूर होगा, आपको क्या करना है, उसे ओपन करना है। ओपन करते हैं तो दोस्तों क्या करता है कि हमारे सामने इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। अब किसी से हमें प्राइवेटली बात करनी है, ग्रुप के अंदर चैट नहीं करना, प्राइवेटली बात करनी है, तो कैसे कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सा उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऊपर थ्री डॉट दिखाई देंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिप्लाई प्राइवेटली, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पर्सनल चैट खुलकर आ जाएगा, यहां से आप जो भी चैट करना हो कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टिप क्या है कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है उसके नंबर, उसका नंबर दिखाई दे रहा है, उसका नाम दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा चार ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है मैसेज का, चैट का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पर्सनल चैट खुलकर आ जाएगा, यहां से आप जो भी पर्सनल मैसेज करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।